सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम में एंड्रॉयड पाई का साथ में सैमसंग के वन UI का अपडेट आ चुका है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम में एंड्रॉयड 9 का और साथ में सैमसंग के वन UI का यहाँ पर अपडेट आ चुका है। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो लोग सैमसंग के इन डिवाइसेस को अब तक यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 1034 MB का ये अपडेट आया हुआ है और इसमें आपको सैमसंग का वन UI मिलेगा, एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सैमसंग का ऑन 7 प्राइम है और जो सैमसंग का J7 प्राइम है, ये दोनों डिवाइसेस सेम ही है, मतलब हार्डवेयर दोनों का सेम ही है, जो बिल्ड क्वालिटी, लुकिंग, मतलब दोनों सब कुछ सेम ही लगता है। तो आई थिंक कि सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में भी आपको ये अपडेट मिल सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम है वो आपको, मतलब जनवरी 2018 में सैमसंग ने इसे ऑनलाइन के लिए लॉन्च किया था और उस टाइम सैमसंग ने लॉन्च किया था सैमसंग का J7 Prime 2। तो J7 Prime 2 आपको ऑफलाइन मिल रहा था और जो सैमसंग का ऑन 7 प्राइम था वो आपको ऑनलाइन मिल रहा था। लेकिन अगर आप लोग सैमसंग का जो J7 Prime 2017 का याद होगा तो उसमें और इसमें कुछ फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब दोनों में आपको सेम मिलता है, दोनों में सब कुछ सेम ही है, 4GB 64GB या फिर एग्जीनोस का 7870, मतलब ऑलमोस्ट कैमरा से लेकर सब कुछ सेम है। तो सैमसंग को J7 प्राइम के लिए भी एंड्रॉयड 9 का साथ में सैमसंग के वन UI का अपडेट को पुश करना चाहिए। अब अगर सैमसंग J7 प्राइम में ये अपडेट देता है तो ये थर्ड मेजर अपडेट हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि सैमसंग यहाँ पर देता है या फिर नहीं देता है, लेकिन देना चाहिए क्योंकि दोनों का हार्डवेयर सेम है। या तो ये सैमसंग बस जानबूझ के नहीं देगा, क्योंकि सपोर्ट तो ये भी करता है, सपोर्ट तो वो भी करता है, तो इसको भी देना चाहिए। अब देखते हैं, एक पॉलिसी है, पॉलिसी से आगे अगर सैमसंग जाता है तो ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि जो सैमसंग का अपडेट पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन को 3 मेजर अपडेट देता है और जो मिड रेंज स्मार्टफोन है उनको आप 2 मेजर अपडेट देता है। लेकिन अगर सैमसंग J7 प्राइम में 3 मेजर अपडेट दे देगा तो फिर कमाल यहाँ पर तो हो ही जाएगा। तो सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम में फाइनली इंडिया में आ चुका है। तो अगर आप लोग सैमसंग का ऑन 7 प्राइम इस्तेमाल करते हैं तो आप जाके अपने सेटिंग में चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और आपको काफ़ी नए यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब वेट करता हूँ कि सैमसंग के जैसे मैंने प्राइम में सैमसंग क्या स्टेटमेंट देता है और अपडेट देता है या फिर नहीं देता है, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में अपडेट मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।